खबर जालौर से, जहां जिले के मोदरान गांव रेलवे स्टेशन व इंदिरा नगर कॉलोनी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के अभियान की धज्जियां उड़ रही है। मोदरान क्षेत्र में जागोत्रा के मोहल्ले मुख्य आम चौराहे व आखरिया हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन पर पुराने पटवार भवन व मुख्य मार्ग सहित अनेकों जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे राहगीरों व स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मोदरान क्षेत्र के अनेकों मुख्य मार्ग व बाजारों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इससे हमेशा दुर्गंध रहती है, जिसके कारण सड़क मार्ग पर से गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं जमा गंदगी के कारण बीमारी फैलने की भी आशंका बनी हुई है। इस बारे में कई बार प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं मोदरान रेलवे स्टेशन पर स्कूल के आगे पूरे गांव की गंदगी, नालियों का पानी व कचरा व गंदगी के ढेर से स्कूल के आने जाने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को वायु प्रदूषण से विद्यालय में अध्यापन करने में भी बहुत परेशानी होती है। कंप्लेन करते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं करता उसकी। मच्छर पैदा होते, बच्चे बीमार पड़ते, बड़े बीमार पड़ते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं, बीमार पड़ते हैं। यहाँ पे पानी, गंदा पानी आ रहा है और बहुत खालियों का पानी आने के हिसाब से यहाँ पे मच्छर और डेंगू की बीमारियाँ बहुत हो रही है। और घर में खाना खाने की ये इतनी गंदी वास आ रही है और पूरा बारिश के टाइम में ग्राम पंचायत सरपंच ने आपने कुछ नहीं बोला क्या आपने? जयपुर में 1 दिसंबर को अल सुबह गुलाबी शहर की गुलाबी सर्दी में अवसर वेंचर्स द्वारा आयोजित रन फॉर ह्यूमैनिटी में जयपुर ही नहीं देश के कई राज्यों के अलावा विदेशों से आए 10,914 ह्यूमैनिटी रनर्स ने रजिस्ट्रेशन किया। जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित पत्रिका गेट से शुरू हुई भव्य दौड़ में आज एक नया कीर्तिमान बना, जब 4 वर्ष के नन्हे बच्चे से लेकर 85 वर्ष के बुजुर्ग ने जोश के साथ दौड़ लगाई। कार्यक्रम के आयोजक अपलव सक्सेना ने बताया कि आज के दिन उन्होंने व अपनी उनकी टीम ने पिछले 8 माह से दिन रात एक करके तैयारी की। इवेंट हेड डॉक्टर भार्गवी जगधारी ने बताया कि पूरे 1 महीने रन फॉर ह्यूमैनिटी से लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने के लिए शहर भर में 10 से भी ज़्यादा प्री इवेंट्स आयोजित हुए, जिनमें पूरे जयपुर में 1.25 लाख लोग जुड़े। सांसद रामचरण बोहरा, ब्रिगेडियर अजीत सिंह, स्मृति माथुर ने आर्मी के साथ आयोजित की इस भव्य दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर में मोहम्मद साहब की सीरत को लेकर सांगानेर में संदेश मानवता के नाम पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सांगानेर स्थित दरगाह अलाउद्दीन साहब में जमात ए इस्लामी हिंद की ओर से हजरत मोहम्मद साहब का संदेश मानवता के नाम पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जमात ए इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव इकबाल मुल्ला ने मोहम्मद साहब की सीरत के ऊपर और उनकी जीवनी पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए आए थे। प्रदेश मीडिया प्रभारी हाउन रशीद ने बताया कि प्रोग्राम में जमात ए इस्लामी हिंद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी ने भी अपने ख्यालात पेश किए। वहीं MMS के कोऑर्डिनेटर अब्दुल नासिर खान ने बताया कि दिसंबर के महीने में नशा मुक्ति को लेकर MMS की ओर से अभियान और कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान में खासतौर से स्लम एरिया को टारगेट किया जाएगा, जहां पर नशाखोरी ज़्यादा होती है, उसे रोकने के लिए 1 महीने का अभियान चलाया जाएगा। कि भाई इससे क्या नुकसान हो रहे हैं आपको, और जो नशा करने वाली फैमिलीज हैं उसमें इकोनॉमिकली वो कितने वीक होते जा रहे हैं। अगर एक फैमिली की इकोनॉमिक कमज़ोर होगी तो लिहाजा वो देश की इकोनॉमिक कमज़ोर होगी। हम ही चाहते हैं कि देश हमारा मजबूत हो, देश में विकास हो, तो कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी पाबंदी के साथ नशे को ख़त्म किया जाए। जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ एक सेंटेंस में कह दिया कि आज से तुम्हारे ऊपर शराब हराम है, तो उनके अनुयायियों ने शराब को अपने मुंह पे जो थी उनको फेंक दी, जो घरों में इकट्ठी थी उनको ख़त्म कर दी। मैं बता दूं आपको, सऊदी अरब के अंदर शराब को बहुत चलन था और एक रिवाज माना जाता था और हर मेहमान को पिलाई जाती थी। लेकिन जैसे ही ईश्वर का संदेश आया, अभी जो 1450 साल पहले जो कानून आया था, उस कानून को फिर से हमें लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। हुकूमत को हम तवज्जो दिलवाएंगे कि हुकूमत इस पे प्रो तवज्जो दे। आपका नाम? मेरा और किस तरीके के इसमें वक्ताओं ने अपने ये आज जो प्रोग्राम था, ये मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसके ऊपर आधारित ये प्रोग्राम था। चूँकि सीरत का महीना मुसलमान मनाते हैं और इस महीने के अंदर
कोशिश की जाती है कि लोगों तक मोहम्मद साहब का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जा सके। इसी सिलसिले के अंदर ये प्रोग्राम आज यहाँ पर किया गया था। इसके अंदर जमात इस्लामी हिंद के केंद्रीय सचिव जनाब इकबाल मुल्ला साहब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने मोहम्मद साहब की जीवनी के ऊपर। खबर हैदराबाद से, जहां राजस्थान से गए हुए मुसलमानों ने एकजुट होकर अपनी मीटिंग रखी। वहीं तारामाती पेठ, अन्नाजी गुड़ा, हैदराबाद व जितने भी राजस्थान से मुसलमान भाई व्यापारी बंधु हैदराबाद आए हुए हैं, उन्होंने एक मीटिंग रखी कि राजस्थान से आए हुए भाई बंधु एकजुट होकर हैदराबाद में किसी भाई बंधु के यहाँ पर सभी भी कुछ भी काम पड़े तो हर व्यक्ति वहाँ पहुँचे। इसके लिए वहाँ उन्होंने अपनी एक मीटिंग रखी। वहीं तारामती पेठ दरगाह पर वह ऐसा मानना है कि हर महीने एक मीटिंग रखी जाएगी, उसमें जो भी आए हुए राजस्थान के मुस्लिम भाई बंधु वहाँ पहुँचे और मीटिंग में शामिल होकर अपने कॉन्टैक्ट नंबर व एड्रेस दें। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहाँ जौनपुर जिले के बक्सा थाना के अंतर्गत आने वाले गाँव बबूरा का विवाद अब खत्म होते नजर आ रहा है। बताते चलें कि आज से 3 दिन पहले यहां पर बन रहे सड़कों को लेकर कुछ विवाद हो गया था, लेकिन वहां के प्रधान व प्रधान सहयोगी अशोक कुमार के प्रयास से ये विवाद खत्म होते नजर आ रहे हैं। सुबह जब इस पूरे प्रकरण पर प्रधान के सहयोगी अशोक कुमार से बात की तो उनका कहना था कि गांव के विकास के लिए मैं हर समय गांव के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहूँगा और हर समय गाँव के लोगों की समस्या को खत्म करने का पूरा प्रयास करूँगा। और समस्या चाहे बिजली की हो या नाली की हो या सड़क की हो, हमारा उद्देश्य रहेगा कि मैं हर एक समस्या को दूर करता रहूं जिससे हमारे गांव का हर संभव विकास होता रहे और हमारा गांव एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाने लगे। इसी सोच के अनुसार ये जो कुएं और रास्ते का विवाद था उसको सभी लोगों के आपसी सहयोग और सहमति से खत्म किया है।